हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद 36। तो आज हम जानेंगे हाउ टू गिव द इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। हाउ टू गिव द इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे दें। हम कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ फंक्शन हो या कहीं पे, तो हम वहाँ पे जाने से पहले हम मेरा चाहे किसी का भी इंट्रोडक्शन बहुत देना बड़ी ज़रूरी हो जाता। तो कई बार हम लोगों को इंट्रोडक्शन देने नहीं आता इंग्लिश में, तो हम लोग ऐसे ही कुछ नहीं बोलते चलाते, जो जो कि देखने में सही नहीं लगता। वहीं पे हम थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें इंग्लिश में, तो फिर क्या बात ही हो जाता है ना। तो वही आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन अपना, कहीं पे भी, कोई भी जगह हो, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हो, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, वो भी इंग्लिश में। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं, हाउ टू गिव द इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। सो लेट्स कम टू अ स्टार्ट। एंड फर्स्ट ऑफ, आप कहीं पे जाते हो तो कोई भी आपको वहाँ नाम लेकर आपको बुलाया जाता है स्टेज पे, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ आप बोलिएगा हेलो एवरीवन, क्योंकि जितना है उनको आपको हेलो तो बोलना ही होगा या गुड मॉर्निंग, लेकिन हेलो सबसे अच्छा। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thanks for giving me this opportunity. I would like to introduction myself. तो आप ये कह सकते हो, उसके बाद आप अपना नाम बता सकते हो कि जैसे कि मेरा नाम है सुधीर कुमार, तो my name is सुधीर कुमार, I am 18 years old, I belong to middle class family. उसके बाद आप जहाँ रहते हो और वहाँ उसका जिस जगह पे रहते हो उनको वहाँ का नाम बताना होगा। तो जैसे कि आई लिव इट दरभंगा, इन नहीं लगा क्योंकि इन जो बड़ा शहर होता है वहाँ पे लगता है ना, एट छोटे शहर या लगता है, तो वहाँ एट लगाना, आई लिव एट दरभंगा। उसके बाद आप अपना क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड बता सकते हो कि आप कितने क्लास तक पढ़े हो या आप क्या कर रहे हो, तो उसी के बारे में बोलना होगा। तो जैसे कि एज़ फॉर एज़ माय क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, नीचे लिखा रहा होगा है ना, पूरा जितना मैं बोल रहा हूँ उसको पूरे नीचे लिखाते जाएगा, जिससे आप आसानी से लिख कर याद कर सकते हो। एज़ फॉर एज़ माय क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, आप इसके बाद अपना क्वालिफिकेशन बता सकते हो। तो आई हैव पास्ड 12th फ्रॉम BSCP बोर्ड, मैं बिहार बोर्ड से पास हूँ। आप जो भी बोर्ड से पास हुए आप बता सकते हो, लेकिन मैं बिहार बोर्ड से पास हूँ तो वही बता रहा हूँ। उसके बाद आई एम पर्सिंग ग्रेजुएशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दरभंगा। उसके बाद आप बता सकते हो आप क्या कर रहे हो अभी, तो आई वॉन्ट टू बी ए, जो कि आप कोई प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो लगा सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, जो आप जो लगाना सकते हो डॉक्टर में या डॉक्टर इंजीनियर जो आप। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर है ना। अब इसका रीज़न भी बताना है क्यों, तो इट इज़ अ रिस्पेक्टेड जॉब इन अ सोसाइटी है ना, क्योंकि ये आस पड़ोस सोसाइटी में इनका वैल्यू है, इसलिए मैं ये बनना चाहता। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर बिकॉज इट इज़ अ रिस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट लाइन होगा हमारा आपका अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बता सकते हो ना, आपकी मर्जी है, बट मैं तो कहूँगा बता देना ही सही रहेगा। तो उसके बाद बोलना है एज़ फॉर एज़ माय फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, जहाँ तक मेरा फैमिली की बात है, उसके बाद आप बोल सकते हो ना। आई हैव सिक्स मेम्बर इन माई फैमिली, जैसे कि मेरी फैमिली में सिक्स मेम्बर है, तो आई हैव सिक्स मेम्बर इन माई फैमिली। उसके बाद आप जितने उतने बोल सकते हो ना, आपके फैमिली पे डिपेंड आप कितने लोग हैं ना, तो आई हैव सिक्स मेम्बर इन माई फैमिली। एंड उसके बाद अपने पापा के बारे में बोल सकते हो, जैसे कि माई फादर इज़ अ फार्मर एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर, जैसे कि मेरे पापा फार्मर है एंड मेरी मम्मी होम मेकर, यानी कि घर पे काम करती है। उसके बाद आप आपकी हॉबीज़ क्या है वो उसके बारे में बोल सकते हैं, जैसे कि मेरा है आई लाइक टू रीड बुक एंड टू प्ले क्रिकेट है ना, यानी कि मेरा हॉबीज़ है पढ़ना भी है और क्रिकेट खेलना भी है। उसके बाद आप बोल सकते हो जैसे कि माई
आप अपने बारे में बताओगे कि मेरा क्या वीकनेस पॉइंट है और क्या स्ट्रगल पॉइंट है। जैसे कि माय स्ट्रगल पॉइंट इज दैट आई कैन लर्न इजीली फ्रॉम एवरीवेयर फ्रॉम एट मोस्ट हेयर, है ना। तो मैं अपने आसपास से इजीली सीख लेता हूँ। तो बता सकते हो जैसे कि एंड माय वीकनेस पॉइंट इज दैट, मतलब कि मेरा कमजोरी यह है कि आई बिलीव इन पीपल सो इजीली। मेरा कमजोरी यह है कि मैं लोगों पर आसानी से बिलीव विश्वास कर लेता हूँ। बिलीव मतलब विश्वास करना। तो आई होप ये वीडियो आपको आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। ऐसे ही यूनिक क्लास लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद 36 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एवरी डे आप कुछ नया सीख सकते हैं, वर्ड सीख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और यूनिक क्लास लेकर दूसरे दिन। चलिए, ओके, बाय।